नमस्कार। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हितों की जो वो है वो विस्तारित हो गई और उसमें कुछ ऐसे हित समूह उभर गए जो कि अपने व्यक्तिगत और अपने संगठन अपने विशेष हितों के समूह के लिए नई नई तरीके अपनाने लगे, वो दबाव समूह है। दबाव समूह क्या है? एक विशेष हित के लिए एक औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होता है जो कि केवल अपने हितों की सुरक्षा के लिए ही कार्य करता है। वो किसी राजनीतिक प्रक्रिया में जैसे प्रत्यक्ष प्रक्रिया में क्या भाग नहीं लेता, बल्कि अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो एक किस्म से दबाव डालने का कार्य करता है। उसके जो लक्षण है उसके सीमित उद्देश्य। सीमित उद्देश्य क्या है कि उनके एक विशेष उद्देश्यों के लिए वो संगठन बने हैं और कई बार क्या होता है कि जैसे उनके हितों की पूर्ति होती है वैसे उस संगठन खत्म भी हो जाते हैं। और उसमें जैसे हम उदाहरण के रूप में ये ले सकते हैं कि कभी कभी हम क्या है अपनी मांग को लेकर एक समिति बनाते हैं और उस समिति क्या है दबाव डालकर उस कार्य को करने करती है और उसके बाद क्या है वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जैसे उसका कार्य पूरा हो जाता है, यानी उनके उद्देश्य जो है सीमित है। दूसरा है औपचारिक या अनौपचारिक रूप में संगठित। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, उनकी विशेष होते हैं कार्यालय होते हैं और संगठित रूप से उसके एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो संगठित रूप से रहते हैं। लेकिन अगर हम उसी दृष्टिकोण से अगर हम दबाव समूह को देखते हैं तो उनके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से उनके संगठन बने हुए होते हैं। सीमित सदस्यता। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है उनकी सदस्य संख्या क्या है लाखों में है, और आपने भारत जैसे देश अमेरिका जैसे देश में इनकी संख्या तो करोड़ों में चली जाती है। इस तरह का उनकी सीमित सदस्यता का जो है बहुत बड़ा एक वो है, जबकि जो दबाव समूह है उनकी सदस्य सीमित है। सीमित सदस्य का मतलब है कि आपने देखा होगा कि वो विशेष ग्रुपों के संगठन जैसे उदाहरण के लिए कोई शिक्षकों का संगठन तो उसमें शिक्षक, कोई व्यवसायिकों का संगठन है, कोई व्यापारियों का संगठन है और कोई मजदूरों का संगठन है, तो वो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। जो राजनीतिक दल है उनसे ये आशा की जाती है वास्तव में उनका जो कार्य होता है वो संविधान के अंदर संवैधानिक तरीके से करने की उनकी जिम्मेदारी होती है और वो संवैधानिक रूप से अपने जो दल है वो बना हुआ है और उसी के अनुसार वो क्या है संविधान के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। लेकिन दबाव समूहों की एक कोई गारंटी नहीं है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्य करें, उस संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करें, यानी अपने हितों के लिए वो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके जो हित हैं जो स्वहित हैं जो उनके स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति हो सके। राजनीति और प्रशासन में परोक्ष होंगे। आपने देखा होगा कि जो दबाव समूह है दबाव समूह राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ते, जबकि राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं या राजनीतिक दल हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़े करके सीधे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी करने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि परोक्ष रूप से उनको समर्थन करते हैं, विशेष दल विशेष के सदस्य को समर्थन देंगे, उसको उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करने के लिए प्रयास करेंगे, उसके चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करेंगे और उसके बाद क्या है जो प्रशासन में है उसमें भी करेंगे, यानी अपने अनुसार जो प्रशासन और जो राजनीतिक सदस्य हैं उनको किसी न किसी तरह अपने हितों के लिए संसद के अंदर क्या है लॉबिंग उनको बनाने के लिए अपने कार्य को उचित साबित करने के लिए उनको क्या है परोक्ष रूप से दबाव डालेंगे या कार्य करेंगे। इन अनिश्चित कार्यकाल, इनका कार्यकाल की कोई सीमा नहीं कि वो कब है। वो मैंने जैसा पहले कहा है कि हो सकता है कि उनके जो व्यक्तिगत हित हैं वो समाप्त हो गए हों, उनकी जो पूर्ति हो गई उनकी समस्या का समाधान हो गए तो खत्म भी हो सकते हैं या चल भी सकते हैं। लेकिन क्या है जो राजनीतिक दल है वो जो बन गए वो काफी समय तक चलने वाले यानी अनिश्चित काल तक चलने वाले संगठन हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस को लीजिए, वो क्या है स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर अभी तक क्या है चली रही है। सर्वव्यापक प्रकृति, जो राजनीतिक दल है उनकी सर्वव्यापक उनकी जो प्रकृति है वो विस्तृत है, उनकी जो वो है वो बहुत बड़ी है, उनकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है, वो सारे देश के अंतर्गत फैले हुए होते हैं। लेकिन जो दबाव समूह है वो जरूरी नहीं कि सारे देश के अंतर्गत हों,
वो अलग अलग खेतों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे क्या है बने हुए हैं और क्षेत्रीय आधार पे भी बन जाते हैं, जिसके कारण क्या है वो अपनी हितों की रक्षा करें और उसके कारण क्या है सरकार सरकारी जो मशीनरी है उस पर दबाव डाल सके। हाँ, दबाव समूह के तीन तरह के दबाव समूह है, संस्थात्मक दबाव समूह, संस्थात्मक दबाव समूह ऐसे हैं जो शिक्षकों शिक्षकों का सेना का सेना के अंदर रहकर शिक्षकों के शिक्षण अंदर रहकर ऐसे संगठन बनाते हैं जो संस्थात्मक किसी संस्था विशेष के अंतर्गत बने हुए हैं, उनको संस्थात्मक संगठन कहते हैं। और उसके अंतर्गत क्या है सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सरकार सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, सेना के हो सकते हैं, ये क्या है इस तरह के संगठन बना के दबाव समूह बना के अपने कार्यों के अपने हितों के लिए कार्य करवाते हैं। समुदाय आत्मक दबाव समूह जैसे वर्ग विशेषों के दबाव समूह, यानी जैसे आपने देखा होगा कई संगठन क्या है धार्मिक आधार पर बने हुए हैं और वो धर्म के आधार पर क्या है अपने अपने हितों की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी भी सरकार पर दबाव डालते रहते हैं, हर वक्त दबाव डालते रहते हैं, उनको क्या है समुदायक दबाव समूह कहे कई है असमुदायत्मक दबाव समूह। इसमें क्या जाति वर्ग जो जाति है जाति विशेष के लिए आपने देखा होगा कि आजकल जितने दबाव समूह कुछ दल तक राजनीतिक दल तक क्या है इन चीजों में बने हुए हैं, लेकिन जो वो है दबाव समूह वो वर्ग जाति के आधार पर हो सकते हैं कि अगड़ी पिछड़ी निर्बल कमजोर इस तरह की जाति के आधार पर जो समूह बने हुए हैं उनको असमुदायत्मक दबाव समूह कहते हैं। उसके अलावा है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह, ये दबाव समूह उस दबाव समूह है जो कि कुछ समय के लिए अपने कार्यों करवाने के लिए क्या करते हैं प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, चक्का जाम करते हैं, इस प्रकार के दबाव डालने का जो प्रयास करते हैं उनको प्रदर्शनकारी या सीमित दबाव समूह कहते हैं। अब इनकी जो दबाव समूह की जो कार्य प्रणाली कार्य करने की वो क्या है कार्य प्रणाली है उनकी लॉबिंग। आपने देखा लॉबिंग शब्द से एक मस्तिष्क में याद आता है किसी चीज के लिए लॉबी करना यानी उसके लिए लोगों का समर्थन हासिल करना। तो इनका कार्य क्या है ये अपनी अपने लिए नीति बनाने के लिए जय विधानसभा है। हाँ, तो इस प्रकार लॉबिंग करते करते वो क्या करते हैं कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो चुनकर जो सदस्य जाते हैं उनको उनकी उनको अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार से वो लॉबिंग करते हैं और उनका जो समर्थन है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है प्रचार प्रसार के साधन, उनके जो प्रचार प्रसार के साधन है वो कई प्रकार के हो सकते हैं कि क्या है वो प्रचार प्रसार के लिए क्या है जो है लोगों के बीच जाएं, लोगों को अपने पक्ष में करें, लोगों के समर्थन हासिल करने के लिए उनको भावनात्मक तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, इस प्रकार वो प्रचार प्रसार के माध्यम से भी अपने पक्ष में क्या है लॉबिंग बनाते हैं। आंकड़े प्रकाशित, विभिन्न प्रकार के ऐसे आंकड़े प्रकाशित करना जिससे कि जो राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक दल के वहाँ सदस्य चुने गए हैं वो दबाव में आ सकें कि वास्तव में इनकी मांगें जायज हैं और उन मांगों को कार्य करना चाहिए, वो दबाव में आ जाते हैं। इस प्रकार के विभिन्न आंकड़े वो अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से वो उनके दबाव में आ सके। रिश्वत बेईमानी अपना अन्य उपाय, यानी ये यहाँ तक कुरेज नहीं करते कि रिश्वत देने में बेईमानी करने में या अन्य किसी भी प्रकार के उपाय, जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि संवैधानिक और असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो क्या है रिश्वत देने बेईमानी अथवा अन्य कई भी उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो इन लोगों को अपने समर्थन में खड़े कर सकते हैं। जिससे इसका मतलब क्या है कि ये वहां जाकर क्या करते हैं जैसे विधानसभाओं के सदस्य इन्होंने अपने पक्ष में नीतियां बनवाती हैं और अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं, कई बार क्या है उस सदस्यों को क्या है घूस तक दे देते हैं कि आप हमारे पक्ष में संसद में क्या बात करेंगे, ये विधानसभा में हमारे पक्ष में बात करेंगे, अपने नीतियों को अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। गोष्ठियां आयोजित करना, ये गोष्ठियां आयोजित विभिन्न जगहों पे गोष्ठियां सम्मेलन सेमिनार्स आदि आयोजित करते हैं जिससे कि लोगों के बीच में इनका प्रचार प्रसार हो, लोग इनके पक्ष में आए और उसके बाद ये अपने पक्ष में क्या सरकार सरकार के सदस्यों को यानी अपने पक्ष में कर सके। अगर ये सारी चीजें इनकी नीतियां और क्या है जो इनकी योजनाएं इनके पक्ष में नहीं बनी तो उसके बावजूद ये न्यायालय के शरण में तक चले जाते हैं और न्यायालय में रिट टाल के ये उस फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं जिससे कि क्या है उनकी जो हित है वो हित साधित हो सके। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, ये यहां तक है कि ये राजनीति में प्रत्यक्ष भाग तो नहीं लेते
कहीं चुनाव में खड़े भी नहीं होते हैं, ना चुनाव लड़ते हैं, ना किसी से उसके सदस्य बनते हैं, लेकिन संसद सदस्यों के मनोनयन में बड़ी रुचि लेते हैं। ये इस तरह की लॉबिंग और इस तरह का जगह जगह जाके समर्थन जुटाते हैं कि उन्हीं की इच्छा के अनुसार सदस्य मनोनीत हो सके, तो वो ऐसे सदस्यों में रुचि लेती है और उसके लिए कार्य भी करते हैं, उसके लिए चुनाव में प्रचार करते हैं, पैसे देते हैं, और यहाँ तक यह है कि उनको पैसे देकर उसके चुनाव प्रचार कर उसको किसी न किसी तरह क्या है भरसक प्रयास करते हैं कि वो क्या है संसद में पहुंच सके, जिससे कि क्या है वो संसद में जाकर जब भी चर्चाएं हों तो उनके पक्ष की बात कर सके। अब क्या है जो वो है दबाव समूह के जो दोष हैं वो है अप्रजातांत्रिक, जो दबाव समूह है वो अप्रजातांत्रिक। प्रजातंत्र में क्या है कि सभी चीजें जो है लीगली संवैधानिक के आधार पर होती हैं, इसलिए वो संविधान के अंतर्गत रहते हुए ये कार्य करते हैं, इनमें राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन ये प्रजातांत्रिक, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है, इन्हें अपना हित साधना है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि प्रजातंत्र की क्या है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। संकीर्णता के प्रति जो दबाव समूह है वो संकीर्ण रूप में यानी एक छोटे से स्तर में एक छोटे से उसमें रहते हैं, जबकि क्या है जो राजनीतिक दल है उनका जो मोटो है विस्तृत है, अब उनके जो कार्य करने का तरीका भी है वो जो है राष्ट्र के पूरी परिप्रेक्ष्य में है, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। ये क्या करते हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने नीतियों को नीतियां अपने हित में बनाने के लिए जो सार्वजनिक हित की नीतियां हैं उनको भी प्रभावित करें, यानी ऐसा दबाव डालते हैं जिससे सार्वजनिक हित की नीतियां जो बननी है वो न बने और केवल उनके हितों की नीति बनी है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण क्या क्या, क्योंकि वो तो पैसा देते हैं, पैसा खिलाते हैं, इस तरह की बात करते हैं और तब अपने अनुसार नीतियां बनाते हैं, तो वो भ्रष्ट आचरण का भी कार्य करते हैं। अंतरराष्ट्रीयता में बाधा, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें होनी है उसमें भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये विशेषकर अपने हितों की ही बात करते हैं और उसके लिए ही दबाव डालते हैं, जिससे कि कोई भी देश का जो शासन सत्ता है इन्हीं के अनुसार कार्य करे, इनके खिलाफ कोई कार्य नहीं करे, इस तरह के विभिन्न दबाव डालकर अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम या अंतरराष्ट्रीय में जो लोग सरकारों ने कार्य करने हैं उसमें काफी हद तक बाधा उत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा सा हम राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को देखने के दबाव समूह और राजनीतिक दल में मूलभूत क्या अंतर है, शासन सत्ता के प्रसंग में अंतर। ये स्पष्ट है कि जो राजनीतिक दल है उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना और उसके लिए वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के दौरान उम्मीदवार बनते हैं और चुनाव लड़कर क्या है सत्ता में जाना चाहते हैं, जिससे कि क्या वो वहां सत्ता में रहकर कार्य कर सके। जबकि दबाव समूह का कोई उद्देश्य नहीं है सत्ता में जाना, वो ना तो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, ना ही वो चुनाव लड़ते हैं, ना ही वो सदस्य बनते हैं, पर परोक्ष रूप से वो इस सारी चीजों को प्रभावित करते हैं जो राजनीतिक दल के सदस्य, यानी चुनाव में किसका प्रचार करना है, चुनाव में किसको वोट करना है, चुनाव में किसके लिए पैसा खर्च करना है, जगह जगह जाना है, अपने समूह के वोट दिलवाने हैं, ये सारे कार्य क्या है दबाव समूह करता है। उद्देश्य और कार्यक्रम में भी अंतर, उद्देश्य क्या है आपने मैंने बोला कि उद्देश्य क्या है राष्ट्र हित का ही उद्देश्य है, जबकि क्या है और संगठित होकर ही उनके उद्देश्यों को पूर्ति करता है जो राजनीतिक दल है, लेकिन क्या है जो दबाव समूह है उनका कोई उद्देश्य है तो उद्देश्य मात्र है अपने हितों की अपने हितों को साधना, उसके अलावा उनका कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं होते। स्वरूप संबंधी अंतर, स्वरूप में आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है एक संगठित रूप से होते हैं, उनका एक संगठन होता है, प्रॉपर संगठन होता है और प्रॉपर तरीके से वो लंबे समय तक चलते हैं, जबकि जो दबाव समूह है वो प्रॉपर तरीके से नहीं, उनका कोई वो नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि वो क्या है उनके उद्देश्य पूरे हो गए, उनके कार्यक्रम जो उन्होंने चाहते हैं वो पूरे हो गए तो क्या है आगे बढ़ते नहीं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। आकार और सदस्य की दृष्टि में अंतर, आकार क्या है मैंने पहले कहा है कि जो आकार की दृष्टि और सदस्य की दृष्टि से राजनीतिक दल बहुत बड़े होते हैं, जबकि जो वो है दबाव समूह वो छोटे होते हैं, यहां तक कि आपने अच्छा दूसरा क्या है कि जो राजनीतिक दल का सदस्य है वो एक ही दल का सदस्य हो सकता है, दूसरे दल का सदस्य नहीं हो सकते, जबकि क्या है दबाव समूह के अंतर्गत क्या है वो श्रमिक संगठन का सदस्य हो सकता है, वो व्यापारिक संगठन का हो सकता है, वो शिक्षक संगठन का सदस्य, एक ही समय में कई जो ग्रुप्स हैं उनके सदस्य हो सकते हैं। अब है साधन संबंधी अंतर, क्या है राजनीतिक दलों के पास जो साधन है वो
काफी बड़े स्तर पे होते हैं, वो उसको यूज उनको अपने फेवर में यूज करते हैं, लेकिन जो दबाव समूह है उनके पास साधन तो है, लेकिन उन साधनों का उपयोग क्या है, वो गैर संवैधानिक तरीके से करके अपने पक्ष में इस नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो दबाव समूह का कार्य केवल क्या है, राज सत्ता में दबाव डालना है और दबाव के आधार पर अपने हितों की पूर्ति। दबाव समूह ऐसा भी नहीं कि ये नवीन चीजें हैं, या ऐसा भी नहीं कि किसी शासन सत्ता या किसी राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था में हो, ये सारे जगह पहले से चली आ रही थी। वो अलग चीज है कि कम और अधिक स्तर पर इनका प्रचार प्रसार होने का तरीके बदल गए, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदली वैसे वैसे उन्होंने भी उसी तरह के तरीके अपनाए, और आज राजनीति में जो दबाव समूह है उनका बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार क्या है, ये दबाव समूह वाला जो टॉपिक था वो पूरा।